मुरादाबाद जनपद में होने वाले आगामी त्योहारों को लेकर सिविल डिफेंस ने सुरक्षा की दृष्टि से अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। 29 जून को मुरादाबाद जनपद में बकरा ईद का त्योहार मनाया जाना है। इसके साथ ही आगामी दिनों में सावन मास भी शुरू होने वाला है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन और डिप्टी चीफ वार्डन पंकज कुमार सक्सेना को सभी वार्डनों की मीटिंग कर उन्होंने वार्डनों से शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए पुलिस का भी सहयोग करने और आगामी त्योहारों में सभी से सहयोग की अपील की, जिसके बारे में डिप्टी चीफ वार्डन पंकज कुमार सक्सेना ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, जरा आप भी सुने। आगामी त्योहार बकरीद एवं श्रावण माह के जो कांवड़ यात्रा होती है हर वर्ष, उसको लेकर अभी जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों एवं सिविल डिफेंस एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें सिविल डिफेंस के अधिकारी भी मौजूद थे। तो उसमें यह व्यवस्था है कि जो ईद का त्यौहार है, इसमें नमाज के टाइम ड्यूटी लगाई जाती है सिविल डिफेंस की, तो सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी के साथ करें, शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार को मनाएं। एवं श्रावण मास में जो कांवड़ यात्रा होती है, उसमें यातायात व्यवस्था हो गई, या सिविल डिफेंस का हमारा एक कैंप लगता है, इसमें मेडिकल हो गए, मेडिकल की व्यवस्था हम लोग करते हैं, वहाँ पर सर्किट हाउस के पास में वो कैंप लगाया जाता है हर वर्ष, और वहाँ पर फल वगैरह की व्यवस्था, जो भी कांवड़िए जाते हैं वहाँ से उनकी सेवा करी जाती है। तो उसी को लेकर एक हमारी सिविल डिफेंस परिवार की भी एक मीटिंग अपने हमने आयोजित करनी है, तो चीफ वार्डन साहब नजमुल हसन साहब से भी बात हुई है, सारे अधिकारी हम सब लोग मिलकर एक मीटिंग करेंगे और उसमें प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर वर्ष की तरह हम सब लोग तैयार रहे। डिप्टी चीफ वार्डन के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारा सिविल डिफेंस परिवार है, जो भी हमारे सिविल डिफेंस के वार्डन हैं, उन्हें कोई भी समस्या किसी तरीके की होती है, वो आकर हमसे मिल सकते हैं, सिविल डिफेंस ऑफिस जा सकते हैं, कार्यालय जा सकते हैं, उनके ड्यूटी कार्ड्स हैं या जो भी उनकी ड्यूटी कहाँ कहाँ लगाई है, वो उस पर अकॉर्डिंगली अपनी अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहें। शहर के लोगों से यही है कि जो कांवड़ यात्रा होती है, इसमें ट्रैफिक की व्यवस्था में पूरा सहयोग करें, जो थोड़ा सा रूट डाइवर्जन करना पड़ता है या वन वे ट्रैफिक करना पड़ता है उसको देखकर, और अगर कहीं पर कोई कांवड़ लेकर आते हैं, उनके साथ अगर कोई परेशानी है, तो उसे अपने घर का ही सदस्य मानकर उनकी सेवा